हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। उसके दो वीडियोज पहले बना चुके हैं, ये उसका वीडियो नंबर 3 होगा। जैसे बेटा देखो, अडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूलन, हिंदी मीनिंग होता है अनुकूलन। और अनुकूलन होता क्या है उसे समझते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म लिव हैप्पीली इन द हैबिटेट दे आर बोर्न इन। जिस भी स्थान पे कोई भी जीव उत्पन्न हुआ होता है, वहाँ वो आसानी से या खुशी खुशी रहता है। दिस इज बिकॉज दे हैव सम स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम लिव इन देयर हैबिटेट। इसका मतलब है कि उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको वहाँ रहने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं कंफर्टेबली एंड सक्सेसफुली। वो आरामदायक रूप से और सफलतापूर्वक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फिश कैन लिव इन वाटर, ए मंकी ऑन ट्री एंड ए कैमल इन डेजर्ट, बिकॉज ईच वन ऑफ दीज हैज सम स्पेशल फीचर्स दैट सूट टू इट्स सराउंडिंग। वो क्या करते हैं, इनकी सराउंडिंग को इनके अनुकूल इनके फीचर्स ऐसे होते हैं जो बना देते हैं। जैसे मंकी है वो ट्रीज पे रहते हैं, जो कैमल है वो डेजर्ट पे रहता है, क्योंकि उनमें ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, उन्हें डेजर्ट के लिए अनुकूलित बनाते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंजेस that are introduced in the structure of organism to survive successfully in a new habitat over thousands of years are called adaptation. Adaptation किसको बोलेंगे, permanent change, कोई स्थायी change that are introduced in the structure of organism, किसी भी जीव की संरचना में, to survive successfully in a new habitat, किसी भी नए आवास में रहने के लिए उसमें कोई change हो, over thousands of years are called adaptation, उसी को अनुकूलन बोलेंगे। देखो, अडेप्टेशन होती है कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। अगर कोई भी वातावरण में चेंज हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने की जो योग्यता है वही अडेप्टेशन कहलाती है। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब एक एक करके जितने भी हमने हैबिटेट पढ़े थे, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट हमने देखा था, जलीय आवास, तो अब देखते हैं एक्वेटिक अडेप्टेशन, जलीय जो अनुकूलन है वो। ठीक है, एक्वेटिक अडेप्टेशंस, जलीय अनुकूलन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर डेवलप सर्टेन फीचर्स टू कोप विद द कंडीशंस प्रीवेलिंग इन वाटर, सच एज वाटर प्रेशर, मोमेंट ऑफ वाटर, ब्रीथिंग इन वाटर एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एक्वेटिक अडेप्टेशंस। यही क्या है, एक्वेटिक अडेप्टेशंस हैं। एक्वेटिक अडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जीव हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं वो देखो। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द फिश हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन लिव इन वाटर। जैसे कि जल में रहने वाला एक जीव ही है मछली, उसमें निम्न प्रकार के जो अनुकूलन हैं वो होते हैं वो देखते हैं। स्ट्रीमलाइंड एंड स्पिंडल शेप बॉडी, इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, संरेखित होती है, मतलब ऐसे होती है, एक रेखा में होती है, नाव जैसी होती है ना, ये क्या करती है, हेल्प करती है इनकी। दिस रिड्यूस फ्रैक्शन विद वाटर एंड हेल्प्स एक्वेटिक एनिमल्स स्विम इजिली, ये तैरने में इनकी मदद करती है। जो क्या है, पानी के लगने वाला जो घर्षण है, फ्रैक्शन है, उसको कम कर देती है। ठीक है, सेकंड होते हैं बेटा इसके गिल्स, ये टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उससे सांस लेने में इनकी मदद करते हैं। ठीक है, गिल्स। अब आगे फिन, फिन्स टू प्रोपेल द फिश इन वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग, तैरने में इनकी मदद करते हैं फिन्स। जैसे है कैडल फिन्स, इट स्ट्रीट द बॉडी, कैडल फिन्स ये है लास्ट वाली जो, इट स्ट्रीट द बॉडी एंड हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन टू फिश वाइल स्विमिंग, जब तैर रही होती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, ए फोर्स विच प्रो अपोजिट द मोमेंट ऑफ बॉडी अवर द अदर्स, जो हमारी गति के विरोध में लगने वाला जो एक बल है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं, अब देखते हैं हम अडेप्टेशन इन, सॉरी ये एक बच गया इसका जो एनिमल्स का, ये स्केली एंड स्लिपरी स्किन, द हार्ड वाटरप्रूफ स्केल्स एंड स्लिम ऑफ द बॉडी सरफेस प्रोटेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम वाटर एज इन डॉल्फिन एंड बेल्स।
ठीक है, डॉल्फिन और वेल में। और ये देखो, वेल एंड डॉल्फिन हैव लंग्स, इनमें क्या होते हैं, गिल्स की जगह लंग्स होते हैं। दे कम टू वाटर सरफेस फॉर ब्रीथिंग, ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है। देयर नोस्ट्रिल आर कॉल्ड ब्लो होल्स, इनकी जो नाक है उन्हीं को ब्लो होल्स बोलते हैं। फ्रॉम विच द एयर गोजेज आउट एज इफ फ्रॉम ए ब्लो पाइप एंड प्रोसेस ए शावर ऑफ वाटर, ये दिखा रखा है शावर ऑफ वाटर, ठीक है। अब है अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं वो देखिए बेटा। एक्वेटिक अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, जलीय पादपों में पाए जाने वाले एग्जांपल्स, इसमें देखो ये तीन टाइप के यहाँ दिखा रखे हैं, फ्लोटरिंग, सबमर्ज्ड और फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। देखो फ्लोटरिंग, सबमर्ज्ड एंड फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, ये क्या है, जो लोटस है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसकी जड़ें तो होती हैं पानी के नीचे ज़मीन में बिल्कुल फिक्स, और ये वैसे क्या करता है, तैरता है। पिस्टिया है बिल्कुल फ्लोटरिंग, और जो है वेलिसनेरिया है ये सबमर्ज्ड है, पानी में डूबा हुआ होता है कि पानी की सरफेस ये है, और ये बिल्कुल पानी के नीचे है, सबमर्ज्ड है। तो तीन टाइप के दिखा दिए। इसमें फ्लोटिंग में क्या होता है, प्लांट लाइक पिस्टिया, वाटर हाइसेंथिस ना, एंड लीना फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे हैव स्पंजी एंड स्टोलन लीव्स एंड स्टेम्स, ठीक है, ये बिल्कुल फ्रीली वाटर के सरफेस पे तैरते रहते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट, प्लांट लाइक हाइड्रिला वेलिसनेरिया, ये एग्जांपल्स इनके लर्न रखने आपको, ये बिल्कुल सबमर्ज्ड होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं। देयर रूट्स आर इम्बेंडेड इन द मड, इसकी जो भूमि में इसकी जड़ें हैं धंसी हुई होती हैं। दे हैव नैरो लीव्स, इनकी पतली पतली सकरी सकरी पत्तियाँ होती हैं, विद नो स्टोमेटा, इस पर कोई स्टोमेटा नहीं होते। नेक्स्ट है, क्योंकि स्टोमेटा का बेटा यहाँ क्या काम है, गैस एक्सचेंज होंगे कोई यहाँ। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, बिल्कुल इसमें लोटस आ गया, ट्रोपा आ गया, ये अटैच होते हैं सोयल से, मिट्टी से इनकी जड़ें अटैच होती हैं। एट द बॉटम ऑफ द पोंड एंड विद देयर रिस्ट पार्ट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की बाकी सरफेस पे क्या तैरता रहता है इसका स्टेम और अदर पार्ट्स। दे हैव लॉन्ग एंड होलो स्टेम, इसका लंबा और खोखला तना होता है। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड स्कॉट शेप्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना टेरिस्टीरियल अडेप्टेशन, ठीक है, स्थलीय जो अनुकूलन होते हैं वो। टेरिस्टीरियल हैबिटेट इज वोस्ट एंड वेरिड, दस प्लांट एंड एनिमल्स लिव हेयर हैव वेराइटी ऑफ अडेप्टेशन, इसीलिए इनकी वेराइटी होती है इनके अडेप्टेशन में भी। अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो द फॉलोइंग अडेप्टेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव टॉल एवरग्रीन ट्रीज, देयर लीव्स फॉर ए डेंस कैनोपी, उनकी पत्तियाँ क्या बनाती है, गहरी कैनोपी बनाती है, विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, जो नीचे जो है जंगल की जो फर्श है मतलब जमीन है वहाँ पर सनलाइट को नहीं पहुँचने देती। ड्यू टू एक्सेसिव रेन ट्री गेट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो, ज़्यादा जो है बारिश की वजह से पौधों को क्या मिलता है, यहाँ प्रचुर मात्रा में जल मिलता रहता है। एवरग्रीन ट्री कौन से होते हैं, सदाबहार जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज दैट हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर जिनकी पत्तियाँ रहती हैं वो, ठीक है। फिर अगला है, द लीव्स ऑफ ट्री आर लार्ज हैविंग स्पेशलाइज टिप, जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं, उनकी टिप क्या होती है, स्पेशल विशेष संरचना लिए होती है। देयर टिप आर कॉल्ड ड्रिप टिप, उनकी टिप को क्या बोलते हैं, ड्रिप टिप बोलते हैं। ड्रिप टिप अलाउ द रेन ड्रॉप्स टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स, कि यहाँ पर बारिश की बूंदें क्या नहीं हुई, रुके नहीं, बिल्कुल नीचे चली जाए। दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग, ये क्या करता है, पत्तियों को सड़ने से बचाता है, ठीक है। ओके बेटा, ये इतना ही हो पाएगा, दूसरा वीडियो बनाते हैं इसका। बाय बच्चों।